डेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जहां हम आपके फेवरेट टीवी शोज और स्टार्स की हर खबरों को ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की करते हैं कोशिश, वो भी एकदम नए और तेज अंदाज में, जहां मिलता है आपको 30 खबरों के टॉप अप का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप, जहां आपको हम रिचार्ज कर देंगे आपके पसंदीदा टीवी शोज और स्टार्स की हर खबर से, वो भी एकदम तेज अंदाज में। टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपके फेवरेट शो में चल रहे सेलिब्रेशंस और डांस की धूम से करेंगे रिचार्ज। आपको हम रिचार्ज करेंगे स्वरागिनी में उत्तरा की सगाई में स्वरा रागिनी और लक्ष्य संस्कार के सरप्राइज डांस से। तो वहीं भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी के मस्त डांस से आप हो जाएंगे फुल्ली रिचार्ज। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सिलसिला प्यार का की काजल यानी कि छवि पांडे से। जी हां, छवि और उनकी ऑन स्क्रीन सास जानकी यानी कि शिल्पा शिरोडकर हैं सुर्खियों में दोनों के बीच छिड़े कोल्ड वॉर की रूमर्स की वजह से। और फर्स्ट ऑन जूम छवि ने दी इस सो कॉल्ड कोल्ड वॉर पर ये जस्टिफिकेशन। शी इज सच अ सीनियर एक्ट्रेस एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी बोथ हैव वेरी गुड टुगेदर, सो आगे टच वुड ऐसा ही चलते रहे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। स्वरागिनी में होने जा रही है उत्तरा की सगाई, जिसके लिए पूरे परिवार वाले हैं बेहद ही एक्साइटेड। घर में लड़के वालों का हुआ पूरे शान से स्वागत, पर बेचारी स्वरा हैं थोड़ी सी परेशान, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रजत और उत्तरा की सगाई हो। स्वरा ये भी चाहती हैं कि कैसे भी करके वो पूरे परिवार वालों के सामने रजत की सच्चाई ला सके। यही सोचते सोचते स्टेयर से उतरते वक्त स्वरा थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, और उसे संभालने के लिए ना संस्कार आगे आता है ना ही लक्ष्य, बल्कि स्वरा को संभालता है रजत। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सगाई के मौके पर उत्तरा के दोनों भाई लक्ष्य और संस्कार ने दिया अपनी छोटी सिस्टर को अपनी बीवियों के साथ डांस करके सरप्राइज। देखिए कैसे स्वरा संस्कार लक्ष्य और रागिनी थिरक रहे हैं गानों की धुन पर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सिलसिला प्यार का में काजल पहली बार रौनक और जानकी देवी के लिए बनाती है घर में खाना, जिसमें जानकी चलाती है एक बार फिर से चाल और काजल को कहती है वही सब्जियां बनाने को जो रौनक को नहीं पसंद है। इस बात से अनजान काजल खुशी खुशी बना देती है खाना, जिसके बाद रौनक उन डिशेस को नहीं पसंद करते हुए भी अपने प्यार के लिए खा लेता है। मैं जब किचन में खाना बना रही थी तो जानकी तिवारी जी आती हैं और वो मुझे सारी वो चीज़ें बताती हैं, वो वेजिटेबल्स बताती हैं जो रौनक को पसंद नहीं है, और मैं बना देती हूँ। और उसके बाद फिर जब हस्बैंड ये बोल दे कि मतलब मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ, वो भी फर्स्ट डे मेरे किचन का, तो बहुत दुख हुआ। बट हस्बैंड को इतना प्यार है ऑब्वियसली वाइफ से कि कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि मेरी वाइफ दुखी हो, तो मन मार करके भी खा ही लेता है, तो फाइनली उन्होंने खाया। जिसके बाद जानकी को देना पड़ता है काजल को नेग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी आ गई हैं अपने घर वापस, जहां वो अब दिख रही हैं एक तपस्वी के सामने डांस करते, और ये तपस्वी कोई और नहीं बल्कि विभूति जी हैं। चौंक गए ना कि अंगूरी भाभी अपने लड्डू भैया के सामने ना डांस करके इस तपस्वी के सामने क्यों डांस कर रही हैं? तो हम आपको बता दें कि अंगूरी की माँ ने कहा है कि अगर वो किसी तपस्वी के सामने नाचेंगी तभी उनके मन की मुराद पूरी होगी। यही सोचकर अंगूरी भाभी के कदम विभूति के सामने थिरकने से रुक नहीं रहे। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर निकल पड़ी हैं एक और मिशन पर, और सिमर का ये मिशन है अपने पति प्रेम की शादी चंद्रमणि से रोकने का। जी हाँ, फाइनली सिमर को मिल गया है उस घर का पता जहाँ चंद्रमणि ने घर के बाकी आधे लोगों को रखा हुआ है।
अब माता रानी का आशीर्वाद लेकर सिमर चंद्रमणि का सामना करने को फिर एक बार हो चुकी हैं तैयार। माता रानी का आशीर्वाद लेकर के निकल रही हूँ कि कम से कम प्रेम जी को और बाकी का जो परिवार है उनको वापस लाने में कामयाब हो पाऊँ। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। लेटर ऑन द शो सिमर निकली प्रेम की शादी रोकने। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। एक था राजा एक था रानी में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट। जब हो जाएगी राणा जी की मौत और गायत्री और रानी माँ के साथ पूरा परिवार पहुंचता है चिता में आग देने के लिए। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्णा दासी की आराध्या के दिल का हाल, जहां मोहतरमा है बेहद ही खुश क्योंकि आर्यन ने कर दिया है इन्हें प्रपोज। पर आर्यन के प्रपोज करने के तरीके से भी है इन्हें थोड़ा सा एतराज। आर्यन ने मुझे आई लव यू कहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक शिकायत है कि आई लव यू बोलने का जो तरीका था उसका बहुत वाइल्ड होके बोला, मतलब ऐसे मुझे पकड़ के ऐसे हिला के आई लव यू, और मैं खुशी खुशी आई तो हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये क्या तरीका है यार आई लव यू बोलने का। अब इन्हें उम्मीद है कि आर्यन इन्हें और भी तरीकों से करेंगे प्रपोज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। संतोषी ने बदला अपना लुक। टेली टॉप अप में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संतोषी का नया रूप। संतोषी ने अपने लुक को किया है चेंज ताकि वो रिझा सके अपने पति को। दरअसल सभी घरवालों ने संतोषी को दी राय कि वो बदले अपना लुक ताकि धैर्य दे उस पे ध्यान, और यही वजह है जो यहाँ संतोषी ने बदला है अपना लुक। लेकिन अफसोस कि इनके पति इम्प्रेस होने के बजाय संतोषी का मजाक उड़ाने लगे हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल तश्ने इश्क में ट्विंकल को साजिश के तहत कुंज से दूर करने की फिर से युवी ने रची है साजिश। वहीं ट्विंकल ने कसम खा ली है कि कुंज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इस शो में आने वाले ट्विस्ट की देखिए ये झलकियां। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल ये है मोहब्बते में आदि और रमन में हुआ झगड़ा। आदि जानता है कि इशिता जिंदा है, इसीलिए रमन को बार बार याद दिलाता है इशिता की, और इस बात से रमन झल्ला जाता है और भड़क जाता है आदि पर, जिससे एक बात तो साफ है कि रमन इशिता का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, ना ही उसकी कोई बातचीत में शामिल होना चाहता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल उड़ान में एक के बाद एक आई ट्विस्ट और टर्न से हम आपको रिचार्ज करते रहे हैं, और अब उड़ान से जुड़ी एक और शॉकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। अपेरेंटली उड़ान में चकोर का हो जाएगा एक्सीडेंट। जी हां, आने वाले एपिसोड्स में जहां टीना विवान को लुभाती नजर आएंगी, वहीं विवान को ये एहसास होगा कि वो चकोर से प्यार करते हैं, और इसी बीच चकोर का हो जाएगा एक्सीडेंट जिससे चकोर की हालत बहुत सीरियस हो जाएगी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में रजनी का किरदार निभा रही रिद्धिमा पंडित ऑन स्क्रीन काफी हटके बहू साबित हुई अब तक, और अब अपेरेंटली रजनी अपने पति शान को लुभाने के लिए लेने जा रही हैं एक सेक्सी अवतार। जी हां, रजनी बिल्कुल ही रेट्रो लुक में नजर आने वाली हैं, और वो एक बहुत ही तड़केदार सॉन्ग पर परफॉर्म भी करेंगी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। स्वरागिनी में नेगेटिव किरदार निभाने के बाद अब रूप दुर्गापाल अब कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में एक पॉजिटिव रोल करती हुई नजर आएंगी। अपेरेंटली रूप इस शो में करीना के किरदार में दिखाई देंगी। बताया जा रहा है कि जहां सोनाक्षी हॉस्पिटल में अपने एक्सीडेंट के चलते एडमिट है, वहीं इस दरमियां करीना यानी कि रूप और देव एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब देखते हैं देव सोनाक्षी और रूप के प्यार के ट्रायंगल का रंग कैसा होता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप।
सीरियल बेगूसराय में इन दिनों अनन्या की उड़ी है नींद, क्योंकि जब से अनन्या ने बिंदिया को जेल में डलवाया है तब से उन्हें होने लगी है घबराहट कुछ बुरा होने की। लेकिन शक्ति आकर बढ़ाते हैं उनका हौसला और करते हैं उनकी हिफाजत। इसी बीच गुंडे आकर अनन्या पर एसिड अटैक करने की करते हैं कोशिश, लेकिन शक्ति उन्हें बचा लेता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोनाक्षी का हो जाता है एक्सीडेंट, जिसके बाद देव हो जाता है बहुत ही परेशान, इस कदर कि सोनाक्षी के एक्सीडेंट की खबर वो उसके घर वालों को बता देता है, जिसके बाद सोनाक्षी का पूरा परिवार उसे देखने हॉस्पिटल आ पहुंचता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। मेरी आवाज ही पहचान है में प्रतिमा ने खोली विक्रांत की पोल। पार्टी में प्रतिमा करती हैं खुलासा कल्याणी के सामने कि विक्रांत शादीशुदा हैं, जिसके बाद भरी महफिल में शुरू होता है ढेर सारा ड्रामा, जिसके बाद विक्रांत पड़ जाता है मुसीबत में भी। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल विश कन्या में अर्जुन और मलाई में हो जाती है झड़प। अर्जुन मलाई को मारने की करता है कोशिश, क्योंकि वो देख लेता है कि पार्टी में मलाई की निगाहें अप्पू पर ही होती हैं, जो उसे रास नहीं आता, और इसी वजह से अर्जुन चाकू लेकर मलाई पर वार करने की करता है कोशिश, लेकिन अप्पू बीच में आकर दोनों के झगड़े को रोक लेती है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल गंगा में जहां एक तरफ गंगा और पलाश के बीच बढ़ रही हैं नजदीकियां, वहीं दूसरी ओर कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट, क्योंकि जानवी करती है सुसाइड की कोशिश, जिसके बीच में यश आकर जानवी को सुसाइड करने से बचा लेता है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। अक्सर सेट पर एक्टर्स टाइम पास के लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी सेल्फी तो कभी फोन पर गेम खेलकर अपना टाइम पास करते हैं एक्टर्स। और जूम के कैमरा में कैद हुए स्वरागिनी की स्वरा और रागिनी एक था राजा एक थी रानी की वैम्प रागेश्वरी के साथ स्नैक्स खाते हुए। जी हाँ, शो में हुआ था छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद स्वरा और रागिनी कैंटीन से ले रही थी अपने लिए स्नैक्स, वहीं उन्हें मिल गई रागेश्वरी, फिर स्टार्ट हुआ गर्ल गैंग की मस्ती। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। कमिंग अप ऑन द शो, सारा खान बनी नागिन। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप पे हमने आपको मिलाया था जाना ना दिल से दूर के दोनों लीड से। इसके बाद जूम ने दिया शो के लीड विक्रम को एक सरप्राइज। विक्रम है कृष्णदासी की लीड आराध्या यानी कि सना अमीन शेख के बेस्ट बडी, और विक्रम को उनकी दोस्त सना ने उनके नए शो के लिए हमारे जरिए दिए बेस्ट विशेस। ओह माय गॉड सना, मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर एक्टर्स कभी कभी निकल जाते हैं छोटे से हॉलिडे पर। ऐसे ही हमने देखा कि सुरभि ज्योति, रिद्धि डोगरा और आशा नेगी अपने मैन इंचार्ज ऋत्विक धनजानी के साथ थाईलैंड घूमने निकले हैं, जिसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, कभी बीच सड़क पर ये गर्ल्स ऋत्विक के साथ बेहद ही एक्साइटेड नजर आ रही हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। छोटे पर्दे पर मानो जैसे नागिन बनने का फैशन चल पड़ा है। एक के बाद एक ग्लैमरस एक्ट्रेसेस नागिन के अवतार में दिखाई दे रही हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, अब इस लिस्ट में नया नाम आया है सारा खान का, जो बहुत जल्द कॉमेडी शो वो तेरी भाभी है पगले में इच्छाधारी नागिन का रूप लेने वाली हैं, बट बिल्कुल ही नए और कॉमिक अवतार में। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप।
चलिए कसम से के फैंस को दिखाते हैं कुछ ऐसी सेल्फीज जिसे देख के वो हो जाएंगे पूरी तरह से रिचार्ज। जी हाँ, देखिए कैसे आपके पसंदीदा शो कसम के आपके चहेते सितारे जब शूट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं। देखिए कैसे खुराफाती ढंग से ये सभी सितारे सेल्फी निकाल रहे हैं। इन सब पर भी हाई वोल्टेज सेल्फी क्रेज चढ़ा हुआ है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। छोटे पर्दे की बड़ी स्टार कृतिका कामरा इन दिनों शूटिंग से ब्रेक लेकर इस्तांबुल में मना रही हैं छुट्टियां। अपने बिजी शेड्यूल से छुटकारा मिलते ही कृतिका उड़ चली हैं इस्तांबुल, पर वहां भी कृतिका कर रही हैं अपने फैंस को रिचार्ज अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए। जहां कृतिका अपने ट्रिप के लुत्फ को फोटो और वीडियो के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर रही हैं। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। काम्या पंजाबी को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से काम्या पंजाबी ने हमेशा ही अपने फैंस को एंटरटेन किया है, और अब काम्या के नाम जुड़ गया है एक और तमगा, क्योंकि काम्या को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। काम्या को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये अवार्ड मिला, जिसके बाद काम्या ने अपनी खुशी जाहिर की अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टीवी की क्यूटेस्ट बहू दृष्टि धामी अपने शो एक था राजा एक थी रानी से फुर्सत निकालकर दे रही हैं अपना पूरा वक्त अपनी फैमिली को। जी हां, दृष्टि निजी तौर पर काफी घरेलू हैं, और बजाय पार्टी और क्लबिंग के दृष्टि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, और इस बात सबूत दे रहे हैं उनकी ये पिक्चर्स। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। हॉट हंक करण ठाकर अपने गुड लुक्स अपनी एक्टिंग और अपने फिटनेस मंत्रा से हमेशा ही अपने फैंस को करते हैं रिचार्ज, और अब करण ने अपने दमदार बॉडी का सीक्रेट मंत्रा शेयर किया है अपने खास फैंस के लिए। जी हां, करण को है फिटनेस का फितूर, और इस वीडियो में आप सभी ने देख लिया होगा कि करण कितनी मशक्कत कर रहे हैं खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। नैतिक और अक्षरा की लाडली बेटी नायरा अब नहीं दिखेंगी सिंघानिया परिवार में। जी हां, दरअसल सूत्रों के अनुसार नायरा यानी अशनूर को अपनी बिजी शूटिंग शेड्यूल की वजह से अपनी स्टडीज के लिए वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपेरेंटली अशनूर ये रिश्ता से थोड़े दिन की छुट्टी लेंगी, और इस कारण सीरियल में भी उनके ट्रैक को घर वालों से दूर ऋषिकेश भेज दिया जाएगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। आजकल टीवी के सितारे बिल्कुल नहीं हिचकिचाते अपने किसी भी चीज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से। वैसे तो हमने आपको लीप के बाद के मैच्योर अशोका यानी कि मोहित रायना से मिलवाया ही था, और ये भी बताया था कि मोहित की रूमर्ड गर्लफ्रेंड मोनी है उनके लुक को लेकर काफी एक्साइटेड, जिसे उन्होंने सोशल हैंडल पर किया था शेयर भी। तो मोहित भी कहां रहने वाले थे पीछे, उन्होंने भी दे दिया अपनी अलेज्ड लेडी लव को ढेर सारे गुड विशेस, वो भी सोशल मीडिया पर, जिसका जवाब भी मोनी ने बड़े ही प्यारे अंदाज में दिया। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप।